है और जो भी आ रहे शिपमेंट्स फेक आ रहे हैं, मतलब जो भी है इंडिया में बिक रहे हो फेक हो सकते हैं, तो मेरे को कोई भी रिस्क नहीं लेना था। इसलिए बोलते ना एडवांस लेवल का फेक प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट हो गया है इंडिया में, मतलब इंडिया में बन रहा है अभी, तो इसकी वजह से सप्लीमेंट्स यहाँ पे शॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट। कल रात को मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, इसकी वजह से मैंने मम्मी को बोला थोड़ा सा चंपी कर दो, ऑयल लगा दो, और इसकी वजह से अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने घर पर एक छोटा सा इंस्टाग्राम रील्स के लिए सेटअप बना रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम पे मैं फैशन से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, जैसे कि मतलब फैशन से रिलेटेड कंटेंट है, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग स्क्रीन के सामने, अभी देख लिया आईडी तो जाके फॉलो भी कर लेना अगर आपको फैशन वगैरह में इंटरेस्ट है। तो एक छोटा सा सेटअप मैं रेडी कर रहा हूँ, उसका एक छोटा सा झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी एक कंप्लीट सेटअप नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी बची है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। ये है क्लॉथ रैक जिसमें मेरे सारे जैकेट्स वगैरह आ जाएंगे, ये भी मैंने लगा के रखे हुए हैं, इसके अंदर ब्लेज़र है, और ये हैंगर्स की एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। और इसके नीचे आएंगे शूज़, ये भी मैंने नया लिया है, ये भी नया लिया है। और इसके बाद आता है ये मिरर, ये मिरर का हाइट है 6 feet टॉल, 3 feet वाइड आई थिंक, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। ये देखो फ्रेम में फिट भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद आती है ये लाइट यूजुअली सामने आ जाएगी यहाँ पे जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तब। अभी कितने लोगों को याद है यहाँ पे ये मिरर के जगह पे एक डाइनिंग टेबल हुआ करता था, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, और वो कुछ काम का भी नहीं था। हम लोग ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते थे, हम लोग ऐसे ही नीचे बैठ के, क्योंकि बचपन से आते थे नीचे बैठ के खाना खाने की, तो नीचे बैठ के खाते हैं और अच्छा भी रहता है नीचे बैठ के खाना, ऐसा मैंने सुना भी है, पता नहीं मेरे को। लेकिन उसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मम्मी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मम्मी को काम करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं एक दूसरा चीज़ उसका रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। छोटा सा एक टेबल आता है पता है, जिसको लैप पे रख के उसके ऊपर लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं, वो अमेज़ॉन से मंगाने की मेरा चालू है कि वो मंगाऊँ या फिर उसके अलावा दूसरा कुछ अच्छा ऑप्शन देखूँ मैं, क्योंकि एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसको काम के वक्त निकालो और जब काम नहीं रहेगा तब साइड में निकाल के रख दो। टेबल वगैरह लूँगा मैं, स्टडी टेबल वगैरह लूँगा तो वो बहुत यहाँ पर गर्दी कर देगा, वो अपने को नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो नहीं मंगा रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा ऑप्शन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ बची है एड ऑन करने के लिए, वो है ये कर्टन्स जो आप लोग देख रहे हो, ये कर्टन्स नहीं रहेंगे, इसकी जगह पे कुछ और कर्टन्स आने वाले हैं, वो शायद से आज शाम तक लग जाने चाहिए। अभी ये सेटअप है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे करके मैं ऐड करते रहूँगा, एक साथ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना भी है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर अगर लाइटिंग की बात करें तो लाइट की बहुत ज़्यादा कमी थी, जब भी मैं रात को शूट करता हूँ तो लाइट, ये मेरे पास एक्सटर्नल लाइट है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाइट कम पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट था जो कि है ये ट्यूब लाइट, छोटा सा 1 feet का। तो इसीलिए आज इलेक्ट्रिशियन को बुला के मैंने यहाँ पे एक 4 feet का ट्यूब लाइट लगा दिया। तो मैं भी आज रात से मैं इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट यहाँ पे इस स्टूडियो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा सेटअप मैंने रेडी किया, लेकिन मेरे लिए वो स्टूडियो जैसे ही है, यहाँ पे मैं अपने रील्स शूट कर सकता हूँ आज रात से। अगर कर लिया तो आपको देखने मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग स्क्रीन के सामने जाके फॉलो कर लो। अभी जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, ये प्री वर्कआउट नहीं रहेगा क्योंकि आज मैं शाम को जिम जाने वाला हूँ, आज से शायद 3-4 दिन के लिए शाम को जिम जाने वाले हैं हम लोग, तो अभी ये प्री वर्कआउट नहीं, ब्रेकफास्ट रहेगा मेरे लिए, चलो कर लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताना है, और एक चीज़ बताता हूँ, एंगल चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ। यस, मैंने वापस से सिंता 6 पे स्विच कर लिया। इसका रीज़न ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल, सबसे पहला तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो ये है, देखो इसके पहले मैं आइसोलेट खा रहा था, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसो सेंसेशन। अभी अल्टीमेट के बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स इंडिया में बिक रहे हैं, तो मेरे को फेक प्रोडक्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी बिक रहे हैं, 6,000-7,000 ऐसे में बिक रहे हैं। अरे इतना पैसा डाल के अगर आपको फेक प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, उससे अच्छा मैं ये ले लूँ, भले इससे मेरे को थोड़ा 10-20 ग्राम प्रोटीन कम मिलेगा जो कि मैं फूड से रिकवर कर लूँगा, लेकिन एक जेन्युइन प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, और इसका मैं ऑथेंटिकेशन भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर सब सारी चीज़ें दी हुई है, तो इससे मैंने ऑथेंटिकेट किया ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अल्टीमेट का जो
इंडिया में जो आता है ना, जो भी जितना भी कंसाइनमेंट आता है इंडिया में, वो अभी बंद हो चुका है ऐसा मैंने सुना है, और इसका कंपनी भी बैंकरप्ट हुआ है। अब मेरे को सच क्या है वो पता नहीं, लेकिन मेरे को कोई भी फेक प्रोडक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आप लोग भी अगर अल्टीमेट लेना चाहते हो या फिर लेने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप लोग चेक करें वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि इतना पैसा हम लगाते, इतना पैसा हम देते 5-6 हज़ार रुपया, अगर उससे हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें उससे जो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए प्रोटीन, जो भी आप ये सारी चीज़ें ले रहे हो, वे प्रोटीन वगैरह जितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, 10 बार 15 बार सोचो, 10-15 लोगों से पूछो, 10-15 शॉप्स में जाओ, उसके बाद ही लेना। लेने से पहले घाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अभी जल्दी से मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरा अवतार जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। खाने के बाद फीलिंग सुपर फ्रेश, लेकिन मेरी जो बाल है उनमें से ऑयल अच्छे से अभी तक निकला नहीं है। चला लवकर लवकर प्री वर्कआउट ब्रेकफास्ट बनूया, मैं त्याच्यानंतर भेटूया। अभी मैं बीच बीच में मराठी इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मराठी ऑडियंस भी है, सबको मज़ा आना चाहिए, सबको मज़ा देना अपना चैनल का काम है। अभी जितने भी नए लोग हैं ना, जो लोग फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन लेते हैं, वो लोगों को पता नहीं चलता कि उसके अंदर का जो स्कूप है वो कहाँ पे है। अभी मेरा भी एक फ्रेंड है कॉलोनी का, नीचे रहता है नितान, आप लोगों को पता रहेगा। अभी उसने भी जब नया लिया ना, BSN 67 लिया, वो मेरे को बोलता है मेरे को स्कूप दिया ही नहीं। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे प्रोटीन के अंदर स्कूप नहीं देंगे, क्योंकि ये देखो आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी बड़ा, अभी मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ लेके ना ऐसे मिक्स करके देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली स्कूप, अरे यार निकल है, देखो स्कूप, ये देखो स्कूप आ गया ऊपर, थोड़ा सा भी प्रोटीन वेस्ट नहीं करना। ये ऐसे आया, ये गया इसके अंदर। अभी इसके अंदर कोई भी स्पून या कुछ भी इसके अंदर वे प्रोटीन के डिब्बे के अंदर डालने से पहले उसको अच्छे से साफ कर लेना, उसको एकदम ड्राई कर लेना। अगर आप गीला डालोगे तो आपका जितना भी पैसा है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जम जाएगा अगर आप गीला इसके अंदर कुछ भी डालते हो। तो मेक श्योर ध्यान दो, जितने बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये, नोट करके रखना। इसका स्मेल इतना मस्त है ना, लिपस्टिक नहीं लगा रहा हूँ, ये लिप बाम है। अगर ये नहीं लगाऊंगा ना मैं, ये सीज़न में मेरे होठों से पूरा खून आ जाएगा, लिटरली खून आ जाएगा। अभी ये एक मेरे को अच्छा लिप बाम मिला है, मैंने इतने सारे लिप बाम ट्राई किए, आप लोगों ने देखा रहेगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता रहेगा मेरे होठ काफ़ी ज़्यादा फटे हुए रहते हैं। बाय द वे अभी मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, और एडिटिंग करने अभी बैठ ही रहा था मैं, तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार डाइनिंग टेबल निकाल दिया, अभी मैं एडिट करने कहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। आता माझ्याकडे एकच ऑप्शन राहिला आहे, सोफ्यावर बसून त्याच्यावरती लॅपवरती कुशन ठेवायची आहे, त्याच्यावरती लॅपटॉप ठेवून एडिट करायचं। सेम चीज बेडरूम में भी कर सकता हूँ। एडिटिंग ख़त्म करने के बाद ऐसा बेकार वाला मैं सो गया था ना, बहुत बेकार सो गया था मैं, लगभग एक घंटे के लिए, एक घंटे से भी कम सोया था, लेकिन बहुत डेंजर नींद थी। अभी टाइम हो रहा है 5:10 कम है, जल्दी से जिम के लिए निकलते हैं, मेरे को यहाँ से बाइक से ईशान के, ईशान भाई के घर पे जाना है, वहाँ से फिर हम लोग कार से आएंगे। सरप्राइज, फाइनली हम लोग निकल गए। हेलो यूट्यूब, आज अपन चेस्ट ट्रेन करने वाले ना, चेस्ट आज तो, आज अलग अलग मशीन्स एक्सप्लोर, आज अलग अलग मशीन्स एक्सप्लोर करने वाले हम लोग। और यहाँ पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद म्यूजिक इतना लाउड रहता है ना, और वहाँ पे म्यूजिक बंद करने बोल नहीं सकते, पुराने वाले जिम जैसा वो अपने आप चलेगा, अपने आप बंद होगा, और इसीलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे सबके साथ मिक्सअप होने के लिए, लेकिन मिक्सअप होने के बाद वो भी करेंगे। इनको बड़ा दुख हो रहा था, आंड्रे हार गया, तो आंड्रे टॉप 5 ही नहीं आया यार, आंड्रे से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे सबको और बहुत प्यार भी। तो गाइस हम लोग आज पूरा मशीन पे करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट,
क्योंकि ईशान मैंने से बोला कि मशीन पे करने के आज यूजुअली हम लोग डंबल्स पे करते हैं इंक्लाइन डिक्लाइन लेकिन आज मशीन पे करेंगे I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it I don't care what they be saying, I'ma do it now And I've been really straight, and I ain't giving up, and I ain't giving in Do it now, fuck the dividends, I'll be on the path I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring And I'm not getting mad when I'm back with the brain Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane अभी थोड़ा जाके स्क्वीज आया टाइम लगेगा भाई धीरे धीरे मसल माइंड कनेक्शन ये मशीन के लिए भी बैठ जाएगा I just need to get it, man, I need to be The thing that I just painted out, man, you won't go see See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him, dog, I'ma play the ball Cause I gotta go and get it, man, I really just need it Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man Take it, never receive it, I'ma make it mine I'm explosive like a mine, I've been working every time Yeah, I do it on the grind, I'ma shine, yeah Every single day, I'ma kill this competition cause I'm going so insane, hey, I really go by so insane Yeah, I guess really ran through the pain But I'm just back on my path And I fixed it now, it's really all okay So I ain't gonna waste yeah, my chance and just my time So I'ma be a monster, I'ma kill him This is mine, yeah, yeah Congrats, आपने सेंचुरी हिट कर लिया मेरा देखता हूँ After बहुत मेरा उतना ही है 82, 83 इसीलिए अभी डाइट चेंज किया है किशन बैनर दिया है लेट्स होप कि जल्दी बढ़े